स्टूडेंट हाउ आर यू। आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो आज से हम क्लास 10th ICSE ML अग्रवाल एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 16 से आपको बताएंगे। ओके बेटा, देखिए क्या कह रहा है। कह रहा शो दैट 1221 एक मैट्रिक्स है, इज अ सॉल्यूशन ऑफ द मैट्रिक्स इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस थ्री आई इज इक्वल टू जीरो, वेयर आई इज द यूनिट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर टू। बहुत आसान है, देख लीजिए सॉल्यूशन। यूनिट मैट्रिक्स आप जानते हो ना, यूनिट मैट्रिक्स सेकेंड ऑर्डर की, यानी जिसमें दो रो और दो कॉलम हो, वो होती है 1001। ठीक है, इससे प्रीवियस वाले लेक्चर में बताया था, थ्री ऑर्डर का भी बताया था। ठीक है, जानना हो तो देख लीजिएगा। आपको आपको बताना है एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस थ्री आई इज इक्वल टू जीरो होगा, ये चीज़ पता लगानी है। ठीक है, कह रहा है एक्स जो है, यानी 1221, इस एक्स की जगह पे अगर 1221 रख के सॉल्व करें पूरी मैट्रिक्स को, तो इसका सॉल्यूशन जीरो आएगा। ये चीज़ आपको बतानी है, पता लगा लेंगे बेटा, बहुत आसान है। देखो कैसे होगा, समझना बेटा। ठीक है, अच्छे से पहले हम निकालेंगे एक्स स्क्वायर। एक्स की वैल्यू दी है ये 1221 निकाल लेंगे 1221 निकालिए कितना आएगा। पहली रो पहला कॉलम 1 1 ज़ा 1, 2 2 ज़ा 4। पहली रो दूसरा कॉलम 1 2 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2। दूसरी रो पहला कॉलम 2 1 ज़ा 2, 1 2 ज़ा 2। दूसरी रो दूसरा कॉलम 2 2 ज़ा 4। ठीक है, और 1 1 ज़ा 1। आंसर कितना आया, 1 और 4 मिलके 5, 2 और 2 मिलके 4, 2 और 2 मिलके 4, 4 और 1 मिलके 5। एक्स स्क्वायर का निकल आया, उसके बाद निकलेगा 2x। ठीक है, कितना आएगा, 2 बाहर लिख दोगे। x कितना था दिया यहाँ पे, 1 2 2 1 1 2 2 1, मल्टीप्लाई कर दो, आंसर कितना आएगा, 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4 2 2 ज़ा 4 2 1 ज़ा 2। ठीक है ना, 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4 2 2 ज़ा 4 2 1 ज़ा 2। ठीक है, उसके बाद निकलेंगे 3 लिखा। I तो जानते हो क्या है, 1 0 0 1 1 0 सॉरी 0 1, एक मिनट उल्टा लिख दिया गया, हाँ 1 0 0 1, मल्टीप्लाई कर लो, 3 1 ज़ा 3 3 0 ज़ा 0 3 0 ज़ा 0 3 1 ज़ा 3। क्लियर है बेटा, अच्छे से। आपको निकालना क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस थ्री आई की वैल्यू को 0 के बराबर शो करना है। कर लेंगे, एक्स स्क्वायर कितना है 5 4 4 5, माइनस टू एक्स कितना है, ये है 2 4 4 2, माइनस थ्री आई कितना है 3 0 0 3। ठीक है ना, अब देखो समझना। अब 5 लिखा, माइनस टू लिखा, माइनस थ्री लिखा, ये चीज़ समझ में आया कैसे किया मैंने, 5 -2 -3 डायरेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, एक में तो 4 -4 -0, 4 -4 -0, फिर 4 -4 -0, 4 -4 -0। क्लियर है, उसके बाद क्या हो जाएगा, 5 -2 -3, 5 -2 -3, -2 -3 मिलकर कितना हो जाएगा, -2 -3 मिलकर कितना हो जाएगा, -5, और आगे 5 लिखा हुआ है, तो 5 -5, 4 -4 ख़त्म, ये तो 0 हो गया, यहाँ पे भी 4 -4 ख़त्म, 0 हो गया, यहाँ पे भी 5, -2 -3 मिलकर हो जाएगा -5। आंसर कितना आएगा, 0 0 0 0, इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 0। ये आपकी 0 मैट्रिक्स है। ठीक है, इस चीज़ को हम कहते हैं 0 मैट्रिक्स, जिसके सारे एलिमेंट 0 होते हैं उसको कहते हैं 0 मैट्रिक्स, 0 मैट्रिक्स। और 0 मैट्रिक्स को हम डायरेक्ट 0 भी लिख सकते हैं, तो इसकी वैल्यू किसके बराबर हो गई, 0 के बराबर आई थी, हमने प्रूव कर दिया। क्लियर है बेटा, चलो इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, समझना थोड़ा सा क्या दिया ज़रा देखिए। कह रहा फाइंड द मैट्रिक्स एक्स ऑफ द ऑर्डर 2x2 विच सेटिस्फाई द इक्वेशन। चलिए यहाँ पे एक्स की वैल्यू निकालना है, निकाल लेंगे, आसान है देखिए सोल्यूशन। ठीक है, पहले इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन निकाल लेते हैं, 3 7 2 4 0 2 5 3। कैसे निकलेगा ज़रा देखिए, पहली रो पहला कॉलम, 3 को 0 से किया 0 आएगा, मल्टीप्लाई 7 को 5 से करेंगे 35 आएगा। पहली रो दूसरा कॉलम, 3 को 2 से किया 6 आएगा, 7 को 3 से करेंगे 21 आएगा। दूसरा रो पहला कॉलम, 2 को 0 से किया 0 आएगा, 4 को 5 से किया 20 आएगा। दूसरी रो दूसरा कॉलम, 2 को 2 से किया 4 आएगा, 4 को 3 से किया 12 आएगा। आंसर कितना आया, 35 27। ठीक है ना, 6 और 21 मिलके, 6 और 21 मिलके प्लस हो गए 27 आएगा। 0 और 20 को प्लस करेंगे 20 आएगा,
फोर प्लस ट्वेल्व कितना हो जाएगा, 16 निकल आया। यानी इस चीज़ का आंसर हमको पता चल चुका है। अब आपको निकालनी है इस चीज़ की वैल्यू, देखिए कैसे निकालेंगे, समझना ठीक है। ये जो ये चीज़ है इसका आंसर हमको पता चल चुका है, कितना आया है ये है, लिख लीजिए 35, 27, 20, 16 ठीक है। प्लस 2x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, दिया हुआ ये 1 माइनस 5 माइनस 4 6। ये वाली पूरी मैट्रिक्स को इधर शिफ्ट करेंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, 2x बराबर क्या हो जाएगा 1 माइनस 5 माइनस 4 6 माइनस ऑफ 35, 27, 20 और 16, क्लियर है। 1 माइनस 35 आंसर कितना आएगा बताओ, 1 माइनस 35 आंसर कितना आएगा, माइनस 34, माइनस 5 माइनस 27 आंसर आएगा माइनस 32, डायरेक्ट कर रहा हूँ ठीक है। माइनस 4 माइनस 20 आंसर आएगा माइनस 24 ठीक है, फिर आएगा 6 माइनस 16 आंसर आएगा माइनस 10। अब देखिए इधर इस मैट्रिक्स आगे कुछ नहीं तो बाय डिफॉल्ट क्या होगा, 1 होगा, मैं बता चुका हूँ। 1 लेते क्यों ये भी बता चुका हूँ, जब भी यहाँ पे एक्स के साथ कोई भी एक अननोन मैट्रिक्स के साथ कोई भी एक नंबर होता है तो यहाँ पे हमको 1 लेना पड़ता है। उसके बाद क्या होगा, जब इस 2 को हम इधर शिफ्ट करेंगे तो ये अपॉन में चला जाएगा, उसके बाद तो आप जानते हो ठीक है ना, 1/2 क्या होगा, इन सबसे जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा इंडिविजुअली, आंसर कितना आएगा। जब आप 1/2 को माइनस 34 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा माइनस 17 ठीक है, 1/2 को माइनस 32 से मल्टीप्लाई करेंगे आएगा माइनस 16, 1/2 को माइनस 24 से मल्टीप्लाई करेंगे आएगा माइनस 12, 1/2 को माइनस 10 से मल्टीप्लाई कराएंगे आंसर कितना आएगा माइनस 5 ठीक है। एक्स कितना आया आपका देख लेते हैं एक बार, कौन सा क्वेश्चन है, माइनस 17 ने, माइनस 17 माइनस 16 माइनस 12 माइनस 5, एकदम क्लियर है, एकदम सही है, क्लियर है बेटा, अच्छे से, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, बात है तो बताओ ओके। चलिए इसके बाद अपने नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, समझना थोड़ा सा। अच्छा ए आपको मैट्रिक्स दिया है 1 1 x x, कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ x सो दैट ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ए स्क्वायर की वैल्यू 0 दी है, x की वैल्यू आपको पता लगानी, पता लगा लेंगे देख लो बेटा सोल्यूशन, समझना ठीक है। ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0 दिया है, चलिए ए स्क्वायर कितना होगा ज़रा बताइए, 1 1 x x, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 1 1 x x है। ए स्क्वायर का मतलब क्या है, ए इंटू ए ना, तो ए ये है, ए मैट्रिक्स ये है, ए मैट्रिक्स ये है, दोनों को मल्टीप्लाई करें, इनकी वैल्यू किसके बराबर है, 0 के बराबर है। अच्छा 0 नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 0 0 0 0 ठीक है, 2 क्रॉस 2 की 0 मैट्रिक्स बनाएंगे, 0 को हम 2 क्रॉस 2 की 0 मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, ये बात मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ ठीक है। वहाँ पे किया था ना हमने, 0 आंसर आया था, फिर उसको 0 0 0 0 लिख दिया था ठीक है। चलिए समझ में आ रहा है अच्छे से, क्वेश्चन नंबर 16 में मेरे ख्याल से किया था, एक मिनट, हाँ क्वेश्चन नंबर 16 में किया था ठीक है, इसी वीडियो में, चलिए कर लेते हैं आंसर आ जाएगा। पहली रो पहला कॉलम, 1 कॉमन से मल्टीप्लाई करेंगे 1 आएगा, 1 को x से करेंगे x आ जाएगा। पहली रो दूसरा कॉलम, 1 कॉमन से मल्टीप्लाई करेंगे 1 आएगा, 1 को x से करेंगे x आ जाएगा। दूसरी रो पहला कॉलम, x को x से मल्टीप्लाई करेंगे x ही रहेगा ठीक है बेटा, x को x से एक मिनट, x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे x रहेगा, x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा। ये देख लो दूसरी रो पहला कॉलम का देख लो, x को 1 से मल्टीप्लाई कराए तो x आ गया, x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा x स्क्वायर। दूसरी रो दूसरा कॉलम, x को 1 से मल्टीप्लाई कराए तो x आया, x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा x स्क्वायर इज इक्वल टू 0 0 0 0 ठीक है ना। अब इससे ज़्यादा तो सॉल्व हो नहीं सकता, तो देखो 1 प्लस एक्स की वैल्यू किसके बराबर हो गई, 0 के बराबर, 1 प्लस एक्स की वैल्यू किसके बराबर हो गई, 0 के बराबर, तो यहाँ से एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 को आप राइट हैंड साइड में शिफ्ट करोगे तो 0 माइनस 1, 0 की कोई इंपॉर्टेंस नहीं होता, डायरेक्ट कितना आ जाएगा माइनस 1, एक्स की एक वैल्यू माइनस 1 आ गई। और देखना एक्स प्लस एक्स स्क्वायर को भी आप किसके बराबर पुट करोगे, 0 के बराबर, एक्स प्लस एक्स स्क्वायर को भी आप किसके बराबर पुट करोगे, 0 के बराबर ठीक है। आप समझना मेरी बात, समझना बेटा, इन दोनों में से x कॉमन ले सकते हो, यहाँ पे x लिखा है, यहाँ पे x की पावर 2 लिखा है। अच्छा यहाँ पे x लिखने का मतलब क्या है, x लिखने का मतलब क्या है, बाय डिफॉल्ट x की पावर 1 है, x की पावर 1, x की पावर 2 में से x की पावर 1 कॉमन ले लेंगे, x की पावर 1 बाहर निकाल लिया, यहाँ 1 बचेगा, यहाँ कितना बचेगा x बचेगा इज इक्वल टू 0 ठीक है। एक बार आप x को 0 के बराबर रखोगे, एक बार 1 प्लस एक्स को 0 के बराबर रखोगे, ऐसे ही तो करते हैं ना भैया, x इंटू 1 बाई x का मल्टीप्लिकेशन जैसा कि मैं आपको बता रहा था
ठीक है, वीडियो क्लोज हो गई थी, मुझे पता नहीं चला, मैं बताता चला गया। चलिए फिर से बता देता हूँ। एक्स की वैल्यू 0 आई है और 1 + x इज इक्वल टू 0। अगर हम यहाँ से एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो 1 जो है राइट हैंड साइड में शिफ्ट होगा, तो फिर से -1 आ जाएगा। यानी एक्स की हमें दो वैल्यू मिली है, कौन कौन सी? एक्स इज इक्वल टू 0 और एक्स इज इक्वल टू -1। क्लियर है बेटा? अच्छा, अब हम एक्स इज इक्वल टू 0 वैल्यू को नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? ज़रा देखो, कंडीशन क्या थी? कंडीशन थी ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यानी अगर ए मैट्रिक्स है, उसका अगर स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा? 0। ए मैट्रिक्स दी कितनी थी? ज़रा देखो, 1 1 x x। ठीक है, हमने क्या कहा? एक्स की वैल्यू हम 0 नहीं लेंगे। हमने क्या कहा? एक्स की वैल्यू हम 0 नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? इस चीज़ को जानने के लिए हम पहले एक्स की वैल्यू को 0 लेके शो करेंगे। ठीक है, देखिए ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी आनी चाहिए? 0। तो 1 1 0 0। यहाँ पे एक्स एक्स है रियल वाली मैट्रिक्स में। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है? एक्स एक्स है। और हमने क्या कहा? एक्स की वैल्यू हमें 0 नहीं लेनी है। क्यों नहीं लेनी है? वो चीज़ अभी आपको पता चल जाएगी। ए स्क्वायर की वैल्यू किसके बराबर है बेटा? 0 के बराबर, इस बात ध्यान रखना। अच्छा, चाहे 0 लिखो, चाहे 0 की मैट्रिक्स बना दो 2 x 2 की, बात सेम है। ये तो समझ में आता है ना? चलो बना देते हैं, 0 0 0 0। समझ में आ रहा ना? अरे बेटा, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0 लिखा है। चाहे 0 लिखो, चाहे 0 की मैट्रिक्स बना दो 2 x 2 की, बात तो सेम है। ए की जगह क्या लेंगे? 1 1 x की जगह 0 0, 1 1 0 0। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए शुरुआत में ही 1 आ गया, समझो मेरी बात। अच्छा चलो पूरा कर लेते हैं। 1 को 1 से मल्टीप्लाई कराया, 1 आया। 1 को 0 से मल्टीप्लाई कराया, 0 आ गया। पहली रो पहला कॉलम कंप्लीट, पहली रो दूसरा कॉलम। 1 को 1 से कंप्लीट वो कराएंगे, कितना आएगा? 1 आएगा। फिर 1 को 0 से कराएंगे तो 0 आएगा। ठीक है, फिर 0 को 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे, 0 आएगा। प्लस 0 को 0 से कराएंगे तो भी 0 आएगा। दूसरी रो दूसरा कॉलम, सॉरी दूसरी रो पहला कॉलम कंप्लीट हो गया यहाँ पे। फिर दूसरी रो दूसरा कॉलम लेंगे, 0 को 1 से कराएंगे तो 0 आ जाएगा। प्लस ये वाले 0 को ये वाले 0 से कराएंगे तो 0 आ जाएगा। आंसर कितना आया? 1 1 0 0। क्या ये वाली वैल्यू इस चीज़ के बराबर है? 0 मैट्रिक्स के बराबर 2 x 2 के? क्या ये और ये बराबर है? नहीं है ना, जाहिर सी बातें नहीं है। ये 0 0 और 0 0 तो ओवरलैप कर रहा है, लेकिन ये 1 और 0 ओवरलैप नहीं करेगा, तो ये बराबर नहीं है। अगर ये बराबर नहीं, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि एक्स की वैल्यू को हम 0 नहीं लेट करेंगे, यानी हमारी ये वाली मैट्रिक्स नहीं होगी। हमारी होगी कौन सी मैट्रिक्स? जहाँ पर एक्स इज इक्वल टू 1 होगा। यानी हमारी कुछ इस तरीके की मैट्रिक्स होगी, ए इज इक्वल टू हो जाएगी। 1 1 x x है ना, तो 1 1 x की जगह -1, x की जगह -1। अगर अब आप ए स्क्वायर करोगे तो आप करके देख लेना, आपको 0 आंसर मिलेगा। क्लियर है बेटा? स्टूडेंट, अगर आपकी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और इस वीडियो को उन बच्चों तक ज़रूर पहुँचाएं जो कोचिंग को अफोर्ड नहीं कर सकते। थैंक यू।